ऐसे मनाए जाते हैं आजादी के जश्न मदरसों में। इस मौका पर मौजूद है मदरसा दारुल उलूम मौलानागंज में, जहां पर झंडा ध्वजारोहण किया जा चुका है और ध्वजारोहण के बाद अब जो है यहाँ प्रोग्राम रंगारंग कार्यक्रम चल रहे हैं और बड़ी चर्चा यहाँ की मिठाइयों की रहती है। यहाँ पे मिठाइयाँ बड़ी लंबी तादाद में बांटी जाती हैं, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। इस वक्त नाज़िम साहब के पास मौजूद है और नाज़िम साहब से ही इस बारे में जानकारी लेना चाहते हैं। मोहतरम, ये बताइए कि प्रोग्राम तो आपका हम लोग हमेशा देखते हैं, बड़ा शानदार होता है, लेकिन मिठाई भी खा लिया कि ये 4 क्विंटल 4.5 क्विंटल मिठाई बनती है यहाँ पर। वो हमारी ब्रांच है ना, 15 जगह यहाँ से ले दे के चल रहा है और कई हजार लड़के लड़कियां हैं, तो जाहिर है कि 1-2 क्विंटल से काम चलने वाला नहीं है। और ये ऐसा खुशी का मौका होता है, चाहे 26 जनवरी हो या 15 अगस्त हो, कि इसमें हर तलबा तालिब इल्म तालिबात मुअल्लिमात मुअल्लिम हजरात ये सब के सब इंतहाई खुशी के साथ यहाँ शरीक होते हैं और इसको निहायत अज़्म के साथ ये मनाया जाता है त्यौहार के तौर पर कि यौम जमहूरिया, यानी जमहूरियत बाकी रखने के लिए जो भी संभव प्रयास है, मुमकिन तदबीरें हैं, कोशिशें हैं, उसको किया जाए और यौम आज़ादी के मौके पर आज़ादी की तकरीबात मुनाकिद की जाती है। इस मौके पर जो है मुल्क को कोई पैगाम आप देना चाहेंगे? हम मुल्क को क्या पैगाम देंगे, बस यही जो हमारा संविधान है उस पर हर शख्स मजबूती के साथ कायम रहे, चाहे वो इख्तदार वाला हो या इख्तदार के बाहर वाला हो, एक आम आदमी हो या कोई अहम आदमी हो, सबके लिए वो यकसा है और सबको उस पर अमल पैरा रहना चाहिए। बारिश की रिमझिम जारी है। हमारा देश 15 अगस्त 1947 को अंग्रेजों के कब्जे से आजाद होया था, लेकिन अभी देश में अंग्रेजों का बनाया हुआ कानून चल रहा था। भारतीय विद्यालयों ने सोचा कि अब कानून भी अपना बनाया हुआ होना चाहिए, इसके लिए संविधान कमेटियों का गठन किया गया। अलग अलग कार्यों के लिए अलग अलग कुर्बानी कमेटियाँ बनाई गयी, उसमें सबसे महत्वपूर्ण और आरोप कमेटी थे जिनके अध्ययन डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। उस कमेटी में कुछ 7 सदस्य थे, सर मोहम्मद सादुल्ला खान, मिस्टर के एम मुंते, सर वी एल विक्टर, कृष्ण स्वामी आय, सर वी एल राव, गोपाल स्वामी आयंगर आदि जैसे बड़े बड़े मिनिस्टर तथा कानूनदार थे। उस कमेटी ने आज आजादी है और आपने देखा होगा शहीद स्मार को मुस्लिम इंटर कॉलेज के सामने, ये शारदानंद वर्मा, ये शारदानंद वर्मा के भाई थे जिन्होंने 1942 में अंग्रेजों से लड़ते हुए गोली का निशाना बनाया गया था। हमारे और आपके बीच में उनके भाई मौजूद।
मौजूद हैं, इन्होंने भी कंधे से कंधा मिलाकर उस आजादी में शरीक हुए। और ये हमारे और हमारे खुशकिस्मती है कि वो हमारे बीच में मौजूद हैं। हम उनका इस्तकबाल करने के लिए उनको आवाज देते हैं कि वो तशरीफ ले आए, खड़े हों ताकि गुलकोशी करके माल्यार्पण करके उनका इस्तकबाल किया जाए। साहब इनका माल्यार्पण करेंगे मोहम्मद अंसारी साहब। और हमारे जानिया के लिए सरफराज अहमद साहब, मौलाना शफीक अहमद साहब, मौलाना शफीक अहमद साहब, नवीन साहब आज का प्रोग्राम जो है यौम जमहूरिया का, इसमें हमारे बीच हमने देखा कि बड़ी मौजूद शख्सियत शारदा नारायण वर्मा जी भी मौजूद हैं। बड़ी खुशी का ये मौका है और बहुत अच्छा लगा ये। इसमें कोई शुभा नहीं कि आपका प्रोग्राम जब से नजामत आपकी आई ये पहला प्रोग्राम है और मदरसों में जिस तरीके से इल्जाम लगते हैं, हम तो ये देखते आ रहे हैं कि हमेशा बड़े ही एक उत्साह के साथ, बड़े ही जोश खरोश के साथ हर साल यौम जमहूरिया और आपके आजादी का जश्न मनाया जाता है। इस बारे में आप क्या पैगाम देना चाहेंगे और खास करके शारदा नारायण जी की मौजूदगी पे इजहार मुसर्रत किस तरह से आप करना चाहेंगे? जी देखिए, मुझको खुशी इस बात की हो रही है कि यौम जमहूरिया के 74वें सालगिरह के मौके पर मैं बहसियत नाज़िम आला जामिया मुफ्ताह उलूम होने की वजह से मैंने शारदा नारायण साहब को इसलिए बुलाया ताकि वो मुजाहिदे आजादी हैं और उन्होंने काफी जो है आजादी की लड़ाई में हिस्सा लिया, और उनसे इसलिए मैं प्रेरणा लेना चाहता हूं और उनको बुला करके मैं अपने अंदर एक खुशी सी भी महसूस करता हूं कि उस वक्त का वो आदमी आज भी मौजूद है जो अंग्रेजों से लड़ाई लेने के लिए हमेशा जो है तैयार रहता था। ये मुझे बड़ी खुशी हो रही है उसको देख करके। और मैं ये चाहूंगा कि मदरसा मुफ्ताह उलूम जामिया मुफ्ताह उलूम का ये जो प्रोग्राम है ये एक मिसाली प्रोग्राम है। आज तक मुफ्ताह उलूम में जितने भी प्रोग्राम हुए हैं किसी ने आज तक किसी भी मुजाहिद आजादी को बुला करके किसी तरह का कोई सम्मान नहीं दिया था, जबकि जामिया हाजा के मुजाहिदीन में और मुजाहिद आजादी में मौलाना अब्दुल लतीफ साहब नुमानी रहमतुल्लाह अलैह भी थे, जिन्होंने अपनी जो है काफी जो है मेहनत और मुशक्कत के साथ आजादी की लड़ाई में उन्होंने अपने आप को पेश किया था। लेकिन अफसोस यह है कि आज तक जामिया हाजा में कोई भी प्रोग्राम इस तरह का नहीं हुआ था जो आज ये हुआ है कि मुजाहिद आजादी को, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी को बुला करके और हम लोगों ने उनको सम्मान दिया है, गोया पूरे मुल्क को हमने सम्मान दिया है। और ये मुझको बड़ी खुशी हो रही है कि हमने एक बड़े मुल्क को, जो सबसे बड़ा जमहूरी मुल्क पूरी दुनिया में है जिसको हम हिंदुस्तान भारत कर... इस वक्त हम लोग मौजूद है जमीयतुल उलमा के जिला सदर मौलाना खुर्शीद अहमद मुफ्ताही साहब के पास, और उनसे ये जानना चाहेंगे आज 26 जनवरी का दिन है, वो क्या पैगाम देना चाहेंगे मुल्क के लोगों को और अपने जिले के लोगों को? यौम जमहूरिया के इस पुरमसर्रत और पवित्र मौके पर मैं अपने मुल्क में बसने वाले तमाम लोगों को यौम जमहूरिया की मुबारकबाद देता हूं, और साथ ही साथ मुल्क की आज़ादी के अंदर जिन हमारे सोरमाओं ने, जिन हमारे मुजाहिदीन ने अपनी जान की कुर्बानी दी है, अपने माल की, अपने औलाद की कुर्बानी दी है, उन सबको मैं खिराज अकीदत भी पेश करता हूँ। और यौम जमहूरिया के मौके से जो आज जश्न मनाया जा रहा है पूरे मुल्क के अंदर,
अल्लाह से दुआ भी करते हैं कि अल्लाह पाक इस मुबारक दिन को ताकि हमें क़यामत हमारे मुल्क के साथ कायम रखे और बाकी रखे। दूसरी तरफ यौम जमहूरिया पर हम इस बात की कसम खाएं कि हमारे मुल्क के सोरमाओं ने, मुल्क के बड़ों ने, मुल्क के अकाबिर ने बाबा भीमराव अम्बेडकर की अध्यक्षता में जिस कानून को बनाया, जिसके तहत मुल्क आज 74 साल से पूरी तरीके से अमल पैरा होकर चल रहा है, आज देश में बसने वाले हर नागरिक, हर शहरी, बसने वाले हर इंसान, इसी तरीके से हुकूमत में बैठे हुए लोग, ये दोनों तरफ से इस बात की कसम खाएं कि ये देश तरक्की करेगा कानून के जरिए से, आईन के जरिए से, उन्हीं सुरमाओं के आईन से जिन्होंने ये कानून बनाया और वजह किया और मुल्क को एक तोहफे की शक्ल के अंदर दिया है। इसलिए मैं अपने इस पैगाम में तमाम लोगों को इस बात का अहद दिलाता हूँ कि हर आदमी इस बात का अहद पैमान करे कि हम मुल्क की तामीर और तरक्की में, आपसी अखुत और भाईचारगी में, एक दूसरे के दुख दर्द में शरीक होने में, आईन हिंद के मुताबिक हम अपने मुल्क को तरक्की देने के लिए पूरी तरीके से कोशिश होंगे। दोबारा फिर मैं अपने इस मुल्क में बसने वाले, अपने जिले में बसने वाले, अपने शहर में बसने वाले तमाम लोगों को यौम जमहूरिया की मुबारकबाद पेश करता हूँ।